जनपद आसिफ जिला हमीरपुर की तरफ से समस्त जनपदवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजीव तिवारी जिला पूर्ति अधिकारी महोबा की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जयप्रकाश अनुरागी जिला पंचायत अध्यक्ष महोबा की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एआरटीआई वीरेंद्र सिंह पीलीभीत की तरफ से समस्त देशवासियों और जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। संजय सिंह नायब तहसीलदार बेहट सहारनपुर की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश सिंह तहसीलदार बेहट तहसील सहारनपुर की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता। डॉक्टर नितेश वर्मा सीएचसी अधीक्षक हरगांव सीतापुर की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश राही कारागार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अली पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वरिष्ठ सपा नेता की तरफ से समस्त रुदौली अयोध्या वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गफ्फार खान नगर पंचायत अध्यक्ष हरगांव सीतापुर की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञानेंद्र द्विवेदी एसडीएम सदर सीतापुर की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुलदीप सिंह तोमर प्रधान नयागांव जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन सीतापुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती स्वाति लोधी ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील पंकज ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उपदेश कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनोद कुमार ग्राम प्रधान त्रिकोलिया और शालिनी पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यशपाल ग्राम पंचायत अधिकारी विकास खंड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रहलाद सिंह एमडी अंजलि हॉस्पिटल सिंघाई रोड निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जनपद के समस्त जनपदवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ एवं माननीय प्रधानमंत्री के संदर्भ मेरा माटी मेरा देश के संदर्भ में भी मैं जनपद के जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को पुनः पंद्रह अगस्त के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संकल्प है कि हम अपने नैतिक जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए देश अपने प्रदेश को उन्नत के पथ पर ले जाने का पूर्ण प्रयास करें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। यौम आज़ादी के
इस 76वें वर्षगांठ पर मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी देशवासियों को, सभी नागरिक को मैं शुभकामनाएं पेश करता हूं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इस अवसर को खुशी खुशी हर घर तिरंगा, मेरा माटी मेरा देश को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाए। और जो जिम्मेदारियाँ हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को ऊपर दी है, हम उसको बखूबी पूरा करने में। वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। इस यौम आज़ादी के इस 76वें वर्षगांठ पर मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी देशवासियों को, सभी नागरिक को मैं शुभकामनाएं पेश करता हूं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इस अवसर को खुशी खुशी हर घर तिरंगा, मेरा माटी मेरा देश को ध्यान में रखते हुए हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाए। और जो जिम्मेदारियाँ हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को ऊपर दी है, हम उसको बखूबी पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दें और लोगों से सहयोग की उम्मीद रखें। समस्त देशवासियों को आज़ादी के इस महान पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि यदि हमारी किसी एक आवाज से किसी भी बुराई का अंत हो सकता है तो हम अपनी आवाज अवश्य उठाएंगे तथा अपनी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करेंगे तथा योगदान देंगे। धन्यवाद। मैं रामू चौधरी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 9। मेरी ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर मैं समस्त बिहट वासियों को बधाई देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्धारित किया है कि हर घर तिरंगा लगाना है, तो सभी लोग अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं और इसे पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने बच्चों को भी पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनवाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, ये हमारे सभी त्योहारों से बढ़कर है। मैं यही पुनः आग्रह करता हूँ कि सभी लोग इसे हर्षोल्लास के साथ और पूर्ण उत्साह के साथ मनाएं, यही हमारी अपने वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो समस्त गुरुजनों, प्रबंधकों एवं समस्त प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। यह दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर कर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी है। आज हम सब मिलकर भारत को सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेंगे। ऐसी कामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2023 पर मैं अंशुमाली द्विवेदी देवरिया जनपद के सभी निवासियों को देवराहा बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे और भारत माता की आप लोग सेवा करते रहे, यही शुभकामनाएं देता हूं। समस्त नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश अमृत महोत्सव मना रहा है, हम लोग पिछले एक साल से अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस को किसी न किसी उससे सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। अब हम लोग अपने इस राष्ट्रीय उत्सव को कल अमृत महोत्सव का समापन करते हुए स्वतंत्रता दिवस, 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग सभी लोग मनाएंगे। मैं
अपने समस्त नगरवासी जितने भी उन्नाव में रहते हैं, मैं उनको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद कयूम अध्यक्ष नगर पंचायत और अवधेश मिश्र अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिंघाई भेदोरा लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम नगरवासियों से निम्न अपेक्षाएं करते हैं। नगर के सभी बकाए करों का भुगतान समय से करें। जल अमूल्य है, इसकी बचत करें और बिना उपयोग नलों की टोटियां खुली न छोड़ें। सड़कों पर मवेशियों को न बांधें, इससे सड़कें खराब होती हैं। कूड़ा सड़क पर न डालें, उसको कूड़ेदान में डालकर नगर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। अपने पालतू पशुओं को आवारा न छोड़ें, इससे नगरवासियों को परेशानी होती है। बद्री प्रसाद मौर्य अध्यक्ष नगर पंचायत एवं दिनेश शुक्ला अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त देशवासियों और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम नगरवासियों से निम्न अपेक्षाएं करते हैं। जल अमूल्य है, इसकी बचत करें और बिना उपयोग नलों की टोटियां खुली न छोड़े। सड़कों पर मवेशियों को न बांधे, इससे सड़कें खराब होती है। कूड़ा सड़क पर न डालें, उसको कूड़ेदान में डालकर नगर को साफ सुथरा रखने में सहयोग प्रदान करें। अपने पालतू पशुओं को आवारा न छोड़ें, इससे नगरवासियों को परेशानी होती है। नगर पालिका अध्यक्ष मालती बासु जिला बांदा की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने और नगर के विकास हेतु नगरवासियों से अपील है कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने हेतु कपड़े के थैले का प्रयोग करें। अपने पशुओं को पालिका मार्गों में न बांधें, न ही उन्हें खुला छोड़ें। पालिका की लाइटों को क्षतिग्रस्त न करें, पालिका की संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं। जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन समय से अवश्य कराएं। झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा रोड पर न फेंके। घर और दुकान पर सूखे एवं गीले कचरे हेतु दो डस्टबिन रखें और कचरा कूड़ेदान में ही डालें। सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें एवं कचरा न फैलाएं। पर्यावरण शुद्ध बनाए रखने हेतु नगर में पौधे लगाएं और उनकी रक्षा करें। गृह कर समय से जमा करें और पालिका का सहयोग करें। आर के कश्यप अध्यक्ष एबलॉन पब्लिक स्कूल, अनुराग दत्ता प्रधानाचार्य, श्रीमती मीनाक्षी कश्यप प्रबंधक, आशीष कुमार गुप्ता अकाउंटेंट लखीमपुर खीरी की तरफ से समस्त सम्मानित ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।